यूनियन बैंक एम्प्लॉयज यूनियन ने कंट्राती कर्मियों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। आज पत्र परिषद आयोजित कर कई मांगे पेश की गई है और चेतावनी दी गई है कि यदि उन मांगों पर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं कमल रघुवानी, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। आज यहाँ पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथी कर्मचारी, हमारे साथी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंट्राती कर्मचारी करके काम करते हुए आज उनके खिलाफ जो अन्याय व उनको उनके जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको उनके जायज अधिकार, उनके ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, उन सबको रोकने के लिए और इन सब समस्याओं को संबंधित विभागों तक, गवर्नमेंट तक, स्टेट बैंक प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए हम आपके सामने में आए हुए हैं। इसमें इनके जो मूल रूप अधिकार है, मिनिमम वेतन, वो आज भी इनको दिया नहीं जा रहा है। इनके पीएफ में इनके पैसे जमा नहीं होते हैं। ईएसआईसी कार्ड आज तक इनको दिया नहीं गया है और जो इनको आज पगार दी जा रही है उन पगारों में से भी पैसे वापस मांगे जाते हैं, जिसकी शिकायत हमने स्टेट बैंक प्रबंधन से लेके, श्रम मंत्रालय से लेके सभी संबंधित डिपार्टमेंट में की है। आज इनसे इनको रखा गया एग्रीमेंट के तहत स्वीपिंग एंड मॉपिंग के नाम पे आज इनसे 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता है। काम न सिर्फ स्वीपिंग एंड मॉपिंग का कराया जाता है पर पूरा क्लरिकल एंड ऑफिसर्स का काम कराया जाता है, जिसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि जनरल मैनेजर ने खुद दिया हुआ है कि इन सबको मार्केटिंग और इसके लिए भेजा जाए, इन सबको मार्केटिंग बैंक से इन सबको मार्केटिंग के काम पे भेजा जाए, इन सबको मार्केटिंग के काम पे भेजा जाए। आज स्वीपिंग और मॉपिंग के नाम पे अगर इनसे मार्केटिंग और बाकी सब काम कराए जाते हैं तो उसका मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता है? आज छुट्टियों के दिन में इनको बुलाया जाता है जिसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। मिनिमम वेतन के हिसाब से इनको 26 दिन का काम करना है जबकि ये 30-30 दिन का काम करते हैं जिसका कोई मुआवजा उनको दिलाया नहीं जाता है। ये आप देखेंगे इन लोगों से जो यहाँ पे है, म्यूचुअल फंड और ये सब काम करवाए जाते हैं और जनरल मैनेजर ने खुद एक अपना सर्कुलर निकाला हुआ है जिसमें उन्होंने खुद इनको कहा हुआ है। जनरल मैनेजर ने खुद उनको ये किया हुआ है कि ये सब स्टाफ को मार्केटिंग के नाम पे बाहर भेजा जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो इनसे 12 और 14 घंटे काम कराया जाता है, माने तकरीबन ये एक महीने में 15 दिन ज्यादा काम करते हैं, वो 15 दिन का मुआवजा तो इनको दिया नहीं जाता है, जो इनका काम है उसमें से भी इनके पैसे वापस लिए जा रहे हैं। बस हम यही अनुरोध करना चाहते हैं और जो इस सब चीजों को जिन हमारे साथियों ने विरोध किया उनको नौकरी से निकाला गया है, जो कि तकरीबन 30 लोग है। हमारी सरकार से सबसे विनंती और स्टेट बैंक प्रबंधन से आज भी विनंती है कि हमारे इन 30 साथियों को जल्द से जल्द इमीडिएटली वापस नौकरी पे लिया जाए, क्योंकि आज इनके परिवार पिछले 3 साल से पूरे परेशान हैं। इनको वापस नौकरी पे लिया जाए, इनको इनके अधिकार दिए जाए, मिनिमम वेतन, ईएसआईसी, जो भी इनके मौखिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, वो इनको दिया जाए। और आज इतने सालों से जो कर्तव्य निष्ठा से बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आज बैंक इनकी जगह दूसरे लोगों को ले रही है, तो इनको निकालने का कारण क्या? इनको निकालने का कारण यही है क्योंकि इन्होंने आज, इनको जो अपने अधिकार चाहिए, अपने अधिकार मांगने के लिए खड़े हुए, आज इसीलिए इनको निकाला गया। नहीं तो पिछले, अगर यही चीज थी तो पिछले 7 साल से इनको क्यों नहीं निकाला गया, 10 साल से क्यों नहीं निकाला गया? तो क्या अपना अधिकार, अपनी जायज मांग, अपने परिवार के सुविधा मांगना क्या गलत है? क्या आंदोलन करने रहे? अगर हमारे ये साथियों को नहीं लिया गया, 30 लोगों को इमीडिएटली वापस ड्यूटी पे नहीं लिया गया और इनके परिवारों को ये हक नहीं मिला, तो हम धरना आंदोलन करेंगे। ये स्टेट बैंक की कौन सी शाखा? सर, स्टेट बैंक की सभी विभिन्न शाखाओं में काम करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा, ये जो चीज है ये सिर्फ स्टेट बैंक के नागपुर और विभिन्न शाखाओं के संबंधित नहीं है। हमारे यहाँ पे साथी यवतमाल, वर्धा, गोंदिया से आए हुए हैं, सभी इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सभी के साथ यही है। ये ऑल ओवर इंडिया में मेरे ख्याल से जहां भी कंत्राटी कर्मचारी है वहां पे ये सब चीजें होती होगी, पर जो लोग हम तक आए हैं बीइंग अ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई सर्कल, वहां पे इन सब चीजों को हमने उजागर किया हुआ है। कारण न्यूज के लिए विलास पराती की रिपोर्ट।
18 साल से शहर में विश्वसनीय उड़ान लैंड डेवलपर्स ले आए हैं सप्तशृंगी नगरी मौजा साले गोदनी में, जो कि साले बस स्टॉप से सिर्फ 200 मीटर दूर, आउटर रिंग रोड से 3.5 किलोमीटर, गुरुकुल सीबीएसई स्कूल से 1 किलोमीटर, 110 एकड़ में बने एग्रो टर्मिनल मार्केट से 2 किलोमीटर, पीएचसी हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर, वर्धा रोड से 6 किलोमीटर और मार्गी नगर चौक से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्पेशल एमिनिटीज, डांबर रोड, ड्रेनेज लाइन, सीनियर सिटीजन पार्क, इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, ईएमआई ऑप्शन, बैंक फाइनेंस और साइट दिखाने की सुविधा उपलब्ध। अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए संपर्क करें उड़ान लैंड डेवलपर्स के संचालक धम्मा भाव सोनटक के 9860298056 और आजाद ठाकुर 9371488938 पर। ऑफिस एड्रेस, हुड़केश्वर मेन रोड, नागपुर।